ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਲਾ ਸੁਨਾਮ ਰਾਏ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੰਪੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਸੁਨਾਮ ਰਾਏ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਤਰ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ सरकार वालों नवी राशन नीति तो लागू कर कीती जा रही है लेकिन डीपू होल्डर का कमीशन नहीं बताया जा रहा। इस दे नाल भी होर भी जो दिक्कत आ रही उसका निवारण नहीं किया जा रहा। उन्होंने जल्द तो जल्द दिक्कतों अते समस्यावां दा हल करन अते डीपू होल्डर का कमीशन वधाउण दी मंग कीती है। हाँ जी, की नाम है सर? मेरा नाम बलराम है जी। मैं फाजिलका पंजाब राशन डीपू होल्डर एसोसीएशन का मैंबर हाँ। अज साडी जिहड़ी मीटिंग हुई है वो साढ़े सूबा सकत्तर रवि जी आए हैं तो उन्होंने जी 2 तरीक को जी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग बारे चानना पाया तो साढ़े सारे जोड़े मैंबर ने उन्होंने उस गल बारे सारी चर्चा हुई। साड़िया यही मंगा ने भी एक तो जिमें प्रधान जी ने दस दिता है भी हर एक जोड़ा डिपो होल्डर है वह दुखी है तो इन्होंने घटो घट कमीशन जोड़ा है साढ़े 47 पैसे तो 200 रुपये दिल्ली की तरज से किया जाए फिर असी कम कर जोड़ा है खुश भी रहेंगे तो कम भी साड़ा होगा तो कम भी असी करा ट्रांसपेरेंसी की गल करते हो हर एक जोड़ा भी कोई अज पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर है हर एक डिपूते चैकिंग वास्ते जाते हैं चैकिंग करे जरूर करे चैकिंग जरूरी भी है क्यों ये लोगों का हक है लोगों का हक चैक करने वास्ते कोई नहीं किसी रोक सकता पर डिपू होल्डर भी बोलने का एक मौका दिता जाए तो चैकिंग जदों भी होंगी है जिस टाइम भी होंगी है साड़ा इंस्पैक्टर नाल होना चाहिए क्यों जे इंस्पैक्टर नाल होगा तो इंस्पैक्टर की भी जवाबदेही बनती है भी डिपू होल्डर दे कोल की आया है की गया है क्यों जदों भी कोई चैकिंग होंगी है ना तो सानू बोलन का मौका नहीं दिता जाता 1% भी हुण पिछे जी भी एक MLA साहब ने की है चैकिंग उन्दे ते साडा जिहड़ा एक दोस्त हैगा साडा सज्जन हैगा उन्हूं बोलन का मौका नहीं दिता गया इस करके असीं चाहुंदे हां भी चैकिंगां तो सानू कोई इतराज़ नहीं चैकिंग भावें होवे पर चैकिंग होवे सिस्टम नाल महकमा नाल इनवॉल्व होवे इहदे नाल जदों भी सानू उपरों हिदायत मिलेगी पंजाब राशन डिपू होल्डर एसोसीएशन वालों असी उन्होंने आधार पर असी आपका हर फैसला लवेंगे हर पक्षों हर तरह असी एसोसीएशन नाल खड़ांगे 9% कट जिहड़ा पिछे भी लग्या सी सानू 91% कणक दिती गई है 100% दे विचों उहदे विच 9% जिहड़े कार्ड होल्डर रह गए उन्हां करके डिपू होल्डर की जिहड़ी सब तो ज़्यादा बदनामी हो रही है हर एक डिपू होल्डर जिहड़ा दुखी है वह इसे गल्लों है भी जिहड़ा 9% कणक रह गई वो हर एक लोग हर एक कार्ड होल्डर खपतकार जिहड़ा है ये समझता है भी ये जिहड़ी कणक है डिपू होल्डर सानू नहीं दे रहा पर उहदे च साडी सारिआं तों वध बदनामी हुई है असीं सरकार तों आ मंग करदे हां वो 9% जिहड़ी कणक दा कट लग्गा है वह कट दा भी साडा जिहड़ा है फैसला करवाया जाए तो कट की जिहड़ी कणक है वह सानू भेज के उस तों बाद असीं भी कार्ड होल्डरां नूं संतुष्ट करा सकीए जी। हाँ जी सर, की नाम है तुहाडा जी? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, मैं डिपू होल्डर यूनियन फाजिलका तों जनरल सकत्तर। अज असी मीटिंग की एक अपने इतनी मीटिंग की जिद्द साढ़े पंजाब राशन डिपू होल्डर एसोसीएशन तो साढ़े सूबा सकत्तर रवि जी पहुँचे विशेष तौर पर असी उन्हों अपने फाजिलका में आ रही मुश्किलों बारे जानकारी दी और उन्होंने विश्वास दवाया कि जो भी इतने फाजिलका के मुश्किल आ रही उन्होंने सूबा पद्धर से हल करने की कोशिश की जाएगी जिमें भी जिस तरीके चाहे वह अफसर साहब नाल मिलना पे चाहे उपर जिस तरीके भी होया वो हल करे तो नाल ही असी एक इतने जो फाजिलका जिले की साढ़े बच्चे सारे ही ब्लाक पहुँचे आ जिमें जलालाबाद कह लो फाजिलका देहाती और शहरी भी है लादूका है रोड़ावाड़ी अबोर बल्लूवाला अरनीवाला और कुइयां दे सारे ही एक एक दो दो मैंबर जिहड़े अपने अपनी यूनियन तो पहुँचे ने तो असी एक जिले लैवल की जिहड़ी है वो आने वाले समय के यूनियन बना रहे थोड़े दिनों कल परसों तक ही बन जाएगी एक कमेटी बना रहे जिहड़ी कि कमेटी के असी अपने जिले फाजिलका दी समस्यावां सूबे तक पहुँचा दे करांगे तो बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े सूबा सकत्तर इतने पहुँचने पर पूरी जिन्हें भी साढ़े ब्लाक तो पहुँचे सारे का मैं अपने वालों और अपने जिले वालों उनका धन्यवाद जो मंगा सी पंजाब राशन डिपू होल्डर एसोसीएशन दी वो साड़ियाँ दस दिया सी प्रधान साहब ने सानू तो वो सारिया मंगा असी सरकार अगे भी बेनती करा कि उन्होंने मंगा पूरा किया जाए बस इतनी गलों के नाल मैं धन्यवाद करता बाकी जो भी अगली कार्रवाई होगी जदों साड़ी जिला कमेटी बन जाएगी उस तो बाद असी वो मंगा नूं भी रखांगे। हाँ जी सर, की नाम है तुहाडा जी? मैं रजनीश कुमार रवि, सूबा सकत्तर पंजाब राशन डिपू एसोसीएशन। सर अज जिहड़ी मीटिंग रखी गई है ये किस मसले नूं लैके मीटिंग रखी गई है जी? 2 अप्रैल नूं लुधियाने विच पंजाब दे समूह दे दौरान एक मीटिंग हुई सी जो डिपू होल्डर नूं समस्या आ रही ने
जो जिस सरकार ने जी नवी स्कीम लॉन्च कर रही उस संबंध के डिपू होल्डर के कई शंके से उन्होंने लैके लुधियाने मीटिंग हुई सी। जो मीटिंग फैसले लै गए उन्होंने बारे जिले की अहदेदारों को जानू करवाने वास्ते आज की मीटिंग रखी गई। की फैसले जो किए गए हैं जो की प्रॉब्लम आ रही है जी डिपो होल्डर्स में? एक तो पंजाब का कमीशन 48 रुपए कमीशन, 47 रुपए 50 पैसे कमीशन मिलता है सारा तो घाटे प्रति क्वांटल। साड़ी मांग है भी दिल्ली की तरज से जिमें दिल्ली सरकार 200 रुपया प्रति क्वांटल कमीशन दिता जाए ज माण पत्ता 20,000 रुपया घटो घट दिता जाए। वड्डी एक समस्या जिन्हों लैके सरकार ने घर घर यो जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने गल की भी घर घर राशन पहुँचाने की योजना देंगे क्योंकि लोगों लाइना लगना पैदा लोगों को खराब होना पैदा। उसका व्डा कारण की है भी पंजाब 18,500 डिपो ने पर 18,500 डिपो को चलाने वास्ते सिर्फ 1400 मशीन है। एक मशीन एक पिंड एक दिन जाती है जो कि 200 तो 300 उनके कार्ड होल्डर होंगे ने जो एक मशीन एक दिन जाएगी तो लाइना लगनी स्वाभाविक ने। साड़ी मांग है दिल्ली तरह स्टेट के दूसरे देश के दूसरे स्टेटा की तरह मशीन हर एक बंद दी जाए राशन डिपो से लाइना लगन की जी संभावना ही खत्म हो जाएगी। इस दे नाल जेकर स्टेट गौरमेंट घर घर राशन की योजना चला रही है तो उसका सारा खर्चा स्टेट गौरमेंट दे तो चलाई ता जाए घट्टो घट 200 रुपया कमीशन करके तो डिपो होल्डर इस जी योजना तो बाहर ना कटे जाए। ये साड़ी मेन मांग है।